आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली न्यूज। कासगंज, लापता पशुपालक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। एक दिन पूर्व बकरी चराने गया हुआ था पशुपालक, परिजनों ने जताई गला घोंटकर हत्या करने की आशंका। अमापुर थाने क्षेत्र के नगला भवानी गांव की मृतक चंद्रपाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पीएम के लिए। गत दिवस सोमवार को बकरी चराने गया पशुपालक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। एक दिन बाद उसका शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने गला घोटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना अमापुर थाना क्षेत्र के गांव नगला भवानी की है। आज सुबह लोग दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए जा रहे थे, तभी एक युवक का शव जंगल में पड़ा दिखाई दिया। युवक की शिनाख्त नगला भवानी निवासी चंद्रपाल के रूप में हुई, जो कि गत दिवस सोमवार को लापता था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के साथ अमापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता हरिवंश कुमार। क्या नाम है आपका? किशन पाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला भवानी थाना वहाँ पर। जो एक जंगल में शव मिला है आपके भाई का, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारा भाई बकरी चराने गया था, 10 बजे से गायब है बकरी। इधर किसी खेत में थी तो बच्चे गए थे, उनको बकरी ले आए। उसके बाद उनको आज उनकी डेड बॉडी मिली थी, गला घोट के, नाक से ब्लड आया, उनसे भी गला घोट के हत्या की है। तो इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कासिल दे दिया जिला चिकित्सालय। किन लोगों ने हत्या की है? हत्या ये नहीं कह सकते किसने की है। किसी रंजिश वगैरह? रंजिश हमारी अभी किसी से नहीं है। सर, अमापुर क्षेत्र में एक शव पाया गया है खेत में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये अमापुर थाना के अंतर्गत नगला भवानी के श्री चंद्रपाल सिंह पुत्र श्री नौबत सिंह कल सायंकाल बकरियों को चराने के लिए गए थे, तो बकरियां तो वापस आ गई, लेकिन ये जो है वापस नहीं आए। आज सुबह ग्रामीणों द्वारा उनका शव खेत में पाया गया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है।